बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि टीयर फोर और टीयर फाइव वाली जो जॉब्स होती हैं, जो बहुत ही हाई लेवल जॉब्स नहीं होती, उनमें पीआर नहीं होगी। पर यह धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएनआईपी में टीयर फोर और टीयर फाइव वाली जॉब्स में भी पीआर होती है, और वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनको चार चार साढ़े चार साल हो गए हैं कैनेडा में, जो ऑलमोस्ट पीआर होने की उम्मीद तक छोड़ चुके थे, उनकी भी पीआर होती है। इसकी मैं सिर्फ ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूं, आज की इस वीडियो में मैं आपको मिलवाता हूं निमिष से, जिनकी आरएनआईपी आज ही अप्रूव हुई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए। उनसे जानते हैं उनकी जॉब की डिटेल्स को और कि कैसा लग रहा है उनको पीआर की तरफ बढ़ते हुए। सो जिनकी पॉसिबिलिटीज नहीं है, उनकी पॉसिबिलिटीज क्रिएट करना सबसे मजेदार बात होती है। चैलेंजेस हर केस में होते हैं, पर हम उन चैलेंजेस को समझ के जो बेस्ट पाथवेज उनके लिए है, उनको चूज करके, गाइड करके, और वो लोग जब उनको फॉलो करते हैं और उनकी परमानेंट रेजिडेंसी होती है, इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं होती। तो कैसे हो रही है ये पीआर आरएनआईपी के थ्रू, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं हम आज की इस वीडियो में निमिष को। परमानेंट रेजिडेंसी नहीं हो सकती, यानी पीआर नहीं हो सकती, ये बिल्कुल गलत है। हमारे पास आज लाइव एग्जांपल है, और ये आज आरएनआईपी अप्रूवल आई है निमिष की, जो एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हैं। ही हैज प्रॉपर एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी फील्ड। कुछ महीने पहले हमारी बात हुई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी ये जो लेटर है सीधा लेके आए हैं कम्युनिटी से, इनको अप्रूवल मिल गया। तो निमिष, आई वुड लेट यू ओपन द लेटर। थैंक यू। चलिए, here we go. और ये लेटर कह रहा है, recommendation letter from the designated development organization of rural and northern immigration pilot Nimish all, and it's also saying clearly कि इनके पास 6 महीने होते हैं फेडरल की फाइल लगाने के लिए, and he got the approval on 16th of April 2024. Congratulations. Thank you sir. Nimish, important thing. I know हमारी टीम के साथ आपकी काफी देर से बात चल रही थी। How did you get to know about us? हमारे बारे में कैसे पता चला? So I was searching about RNIP YouTube पे। जी। And then आपकी कुछ वीडियोस देखी थी। जी। Then I booked a consultancy। जी। And after that, yeah, that's his history. Understand. तो आपको आप कब से हो कनाडा में वैसे? Almost 4.5 years. Four and a half years. और आपका work permit भी खत्म होने वाला था? हाँ, बस अभी कुछ शायद 4 या 5 महीने। ठीक है, तो वर यू स्केयर्ड, या पहले लग रहा था कि यार होगी नहीं होगी, कैसा होगा? मैं काफी स्केयर्ड था, मैं भाग के आ रहा हूँ पसीने आके मुझे। तो हाँ, स्केयर्ड तो बहुत ज्यादा, बिल्कुल एंड टाइम पे आ गए थे कि अभी तो ऐसा था कि वापस ना जाना पड़ जाए। जी, बट नाउ इट्स अ बिग रिलीफ। तो अगर आपका कोई भी दोस्त है जिनको आरएनआईपी या फिर उनकी पीआर फाइलिंग से रिलेटेड हेल्प चाहिए, वुड यू रेकमेंड चेक सर्विसेज? Yes, definitely. और check, one last thing I want to just ask Nimish, check services के साथ अब तक का आपका experience कैसा रहा? काफी ज़्यादा they have been really helpful. It's a pilot program, तो काफी rules are not clear, but they help me a lot. So yeah, I will recommend them. Thank you so much. Wishing you the best, और इसके साथ साथ chocolates भी यार. Thank you so much. That's a great beginning. यार डब्बा नहीं खोल रहा, hold on यार. Thank you sir. चलो ठीक है जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस निमिष वंस अगेन, और वी आर रियली हैप्पी। एंड जो नेक्स्ट स्टेप्स होंगे वो आपके जो पुराना आपका एक्सपीरियंस है उसकी सारी डिटेल्स चाहिए होंगी, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए होती है, पुलिस क्लियरेंस चाहिए होती है, यू विल नीड फ्रॉम कनाडा एंड ऑल्सो यू नो बैक होम इंडिया से, मतलब और जिस भी कंट्री में आपका इन एंड आउट 6 मंथ्स का आपकी स्टे ज्यादा हुई है वहां का आपके पास वो चाहिए। अगेन ऑब्वियसली आपने यू नो आरएनआईपी में सबमिट करवाई है वेस्ट और अपने जनरल आयल्स जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके फेडरल की फाइलिंग में जाएंगे। सो इट्स अ बिगिनिंग ऑफ न्यू जर्नी, वेलकम टू द कम्युनिटी वंस अगेन। थैंक यू। यू आर वेलकम। थैंक यू। सो गाइज, ये थी निमिष की सक्सेस स्टोरी। वी रियली विश की जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं कैनेडा, यू नो दे हैव बीन कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट, और अगर आप सही पाथवे सही टाइम पे चूज करेंगे तो आई एम श्योर आपकी परमानेंट रेजिडेंसी भी जरूर टाइम पे होगी। अगर इफ यू नीड एनी सपोर्ट एनी हेल्प, apply@studybuddycanada.com हमारी ईमेल है, apply@studybuddycanada.com। थैंक यू।
तो गाइस दोबारा बता देता हूँ कि जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है वो टीयर फोर में आती है। तो चाहे आपकी जॉब टीयर फोर में है चाहे टीयर फाइव में है, आपकी आरएनआईपी के थ्रू पीआर जरूर हो सकती है। उसके साथ साथ बता दूं, अगर अभी भी आप आरएनआईपी में फाइल लगाने चाहते हैं तो स्पेसिफिक कैटेगरीज, जैसे अगर हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस है और आपके पास जॉब ऑफर है नॉर्दर्न ऑन्टेरियो में, या आपके पास कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस है और नॉर्दर्न ऑन्टेरियो में जॉब ऑफर है, और तीसरी चीज जो है आईटी, अगर आईटी का एक्सपीरियंस और आईटी की जॉब अवेलेबल है आपके पास जॉब ऑफर इस वक्त, तो हमें तुरंत कांटेक्ट कीजिए apply@studybuddycanada.com। जो भी इंसान इस कंट्री में आता है हमारा गोल यही है कि उसके सपने जरूर साकार हो। सो अगर आप सही स्टेप्स सही टाइम पे लेंगे तो जरूर होंगे साकार। और अगर आपको अच्छी वीडियो लगी, आपको लगता है कि आपका भी जो कनाडा में पीआर का सपना है वो जल्दी पूरा हो, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो ये सोचते हैं कि टीयर फोर और टीयर फाइव वाली जॉब्स पे पीआर नहीं होगी, जो निराश हो चुके हैं कि पीआर नहीं हो पा रही, उन्हें हमें रेफर कर दीजिए। वी विल बी वेरी थैंकफुल एंड विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प टू मेक इट वर्क, कि उनकी यू नो जो चीजें उनको इम्पॉसिबल लगती है उनको पॉसिबल जरूर करेंगे। इसी के साथ हंसते मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।